सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय सहित जिले भर के सरकारी महाविद्यालयों में बुधवार से प्रथम वरीयता सूची में आने वाले विद्यार्थी के दस्तावेजों की जांच प्रारंभ कर दी है। 3 जुलाई तक दस्तावेजों की जांच करवाई जा सकेगी। प्रथम प्रवेश सूची में आने वाले विद्यार्थियों के लिए फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 4 जुलाई है। इधर मुख्य और प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी विद्यार्थियों को भी 3 जुलाई तक महाविद्यालय में दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर ई मित्र पर फीस जमा करानी होगी, अन्यथा वो डिफॉल्टर हो जाएंगे, इसके बाद प्रवेश नहीं मिल पाएगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस के देव ने बताया कि प्रथम सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थी 3 जुलाई तक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक अपने मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवा पाएंगे। सूची में अपना मेरिट क्रमांक जानने के लिए आयुक्तालय की वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म नंबर और जन्म दिनांक भरने पर विद्यार्थी को अपनी स्थिति का पता चल पाएगा। विद्यार्थी प्रिंट लेकर और घोषणा पत्र संलग्न कर कॉलेज पहुँचे। सभी संभाग के सभी महाविद्यालय में प्रवेश सूचियाँ जारी कर दी गई है और सब जगह प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सब अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से जमा कराएं। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध भी है और आग्रह भी है कि वो ई मित्र पे अपना वो निकलवा के जो सिलेक्शन का लेटर पे निकलवा के और फिर उसके बाद महाविद्यालय में जाएँ ताकि उनको वहाँ कोई समस्या ना हो। सत्र 2018-19 के लिए प्रवेश की जो मेरिट लिस्ट वो जारी कर दी गई है रात्रि को ही और 8 बजे जनरेट हुई और हमने जो है बाहर सारी सूचियाँ जो मेरिट लिस्ट है वो सब लगा दी हैं। ठीक है, कैंडिडेट से हम एक अपेक्षा करते हैं कि वो जब उसका मैसेज को चेक करे और मैसेज चेक करने के बाद वो ई मित्र पर जाए और ई मित्र से अपना बधाई पत्र निकाल करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये जमा कराएं। 10 बजे से 2 बजे तक का समय रखा है, वो आकर के कार्यालय समय में वो अपना डॉक्यूमेंट चेक करा करके फीस जमा करा सकते हैं। फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 5 तक है, पर वो इंतज़ार नहीं करें। और इसके अलावा एक मैं उनसे और भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मित्र फीस जमा करा के यहाँ के अपना जो है कन्फर्म करें एडमिशन को कि फीस की रसीद यहाँ हमने दे दी है, उसके एडमिशन कन्फर्म हो गया है। एक ओबीसी वाली जो बात है विशेष रूप से कि वो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए सर्टिफिकेट, और उसमें फिर भी क्रिमिनल के एक जीव प्रमाण पत्र है वो भरना पड़ता है, उसका विशेष ध्यान रखें। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।